ओहो, लुगाइया का तो नाम हो से भाई, असली सरपंच तो आदमी हो से। यो तरीका ठीक नहीं से, नुकसान खा जाओगे। पर ठेका तो गांव की सीमा बाहर है। अच्छा, तेरे तो हो ना कर लिए, तेरे बगे सरपंच घड़े आ लिए, समझी? घड़े आउंडन की जरूरत नहीं। डील तो बढ़िया है जी, पर मेरी एक बात सुनो। मेरे भी प्रोजेक्ट पर सटे लिया रखी है, इसका के मैं करना पड़ेगा। राम राम सरपंच साहब। राम राम काका, आ जा बैठ। अरे काका, सरपंच मैं कोन्या, तेरी बोडिया से। ओहो, लुगाइया का तो नाम हो से भाई, असली सरपंच तो आदमी हो से। ना काका ना, अड़े ऐसा कुछ ना है, चुनाव हुआ जीती है, सरपंच भी हुआ है, मैं उसके काम में टांग ना अड़ाता। अरे भाई, यह बात तो पहली बार सुनी से, कमाल हो गया भाई। मैं तो एक काम आया था। बता काका, के काम आया था? इन कागजा पर सरपंच के दस्तक चाहिए थे। करवा लिए काका, के बात होगी? भाई तू ये कर देने, मोर तो धरिए होगी करने, मैं कित बोड़िया तोड़े जाऊंगा। ना काका ना, गलत काम ना करया और ना करने देवा, और मैं उसके साइन क्यों कर दूं? क्यों मन ने भी फसवावस है? ओहो भाई, कुछ ना होता, सदा तन चाली आवस है। सरपंच कोई से, दस्तक कोई करे से, चुनाव एक आदमी जीतते से, सरपंच सारा कुनबा बन जा है। बेरास है काका, इब वो टाइम गया, इब जो सरपंच है वो ऐसे, और जिसने अथॉरिटी से उससे की चलेगी। अपना आदत को ना गाड़िया पर सरपंच प्रतिनिधि लिखवाने की, और इसी सरपंच जी का के फायदा जो अपने पति और ससुर के इशारे पर काम करे, जो अपने हक नहीं ले सकती, वह गांव के हक में के लड़ेगी? भाई तू तो घने पढ़े लिखे वाली बात करने लाग गया। करू क्यों ना काका, जब सरपंच पढ़े लिखे बनने लाग गए तो दूसरा की सपोर्ट की के जरूरत है? चलो ठीक है भाई, पर न्यू तो बता, मारी सरपंच मिलेगी किते? अपने दफ्तर में मिलेगी। दफ्तर? सरपंचा के भी दफ्तर होने लाग गए? होते क्यों ना काका, ये गांव में सचिवालय बन रहे। अच्छा, ये दफ्तर से? मैं तो न्यू सोचा था ये बरात घर से। चलो तो भाई, दफ्तर में ही जाके आवांगे। ठीक से काका, राम राम। राम राम भाई। यो काम तो भाई पहली बार देखा से, या काटेगी रोग ने। चलू भाई, देखो सरपंच ने कित मिलेगी। देखियो सरपंच जी, चुक्कर नलके खुले छोड़ रखे हैं। काकी? हाँ बेटा। काकी राम राम। राम राम बेटा, राम राम। काकी, नलका क्यों कर खुला छोड़ रखा है? बंद करवाओ इसने। बेटा चालन दे, हमने लिया भरी। काकी, थमने तो भर लिया, और खातर भी छोड़ दो, कम से कम पानी की बर्बादी तो ना करो। बेटा मिली करो, लगा रखो तो टाबन मेरा बात देसी उका देगा बेटा। काकी, लिकड़ा तो बात ना बनेगी, इसका ठुट्टी लगवाओ, जब जरूरत ना हो तो ठुट्टी बंद कर दो। ठीक से बेटा, लगवा लेंगा। बेटी मत तन पिछानी कोन्या। मैं ज्योति हूँ, ज्योति सरपंचनी। ठीक से बेटा, मैं आज लगवा लूंगी ठुट्टी। अच्छा काकी, राम राम। या तो सरपंच नी कैसे, या तो अफसर नी से, बहुत छानी से। यही तो आदत है गांव वाला की, जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कदर क्या नहीं करते। पहले सिर पे पानी लिया करते, बूंद बूंद का हिसाब रखा करते। ईब देख लो, यह आदत तो सुधारनी सगा माला की, कि खुद भी सही करो और दूसरा ने भी सही करण की कहो। यो ईब का करियो, मारका नहीं पानी, फिर दे तोड़ दूंगा। अरे कितना दे ना तोड़ेगा, आधे गांव का है पानी। वो मारका नहीं क्यों दिखाओ सर? मेरे घर में भर लियो, घर भर से खेत में भरे, मारका नहीं दिखाओगा ना, ये लोग दिक्कत है। अरे ओ लट तेरे दौरे से के लठाई कभी मेरे दौरे को नहीं, ठीक से समझा? रुको रुको, की कर लाग रहे हो? सरपंच ने सारा रोड़ा इस नाली के पानी का है, यो मारे घर का नहीं कर दे से। आप ऐसा क्यों करो जी? और मैं क्या अपना घर बैठ लियो पानी ने, या नाली भर जाए चल जाए हन कान है। या नाली तो रुकी पड़ी से, अड़ंगा फस रहा है इसमें। अड़ंगा से साफ करवाओ या ना, और सरपंच किस नाम की हो? जरूर करा दूंगी। हाँ। तो ऐसा मोटा काम भी ना है कि खुद ना कर सकते, जितना अंगा ये लठान में लगाए हैं, इतनी मेहनत इस नाली पर कर लेते, या नाली भी साफ हो जाती और थारा रोला भी ना होता। अच्छा, अब हम नाली साफ कराए के? ना जी, थम मत करो, मैं करूंगी, ले दो ये लठ। बस जी, रहन दो सरपंच ने, रहन दो, लो हम कर लेंगे साफ। इब समझ में आ गई, यो घर भी थारा इस है, या गली भी थारी से,
जब इसमें गंदगी रहेगी तो बीमार भी थमे होगे। इसकी साफ सफाई रखोगे तो थारा ही फायदा से, बाकी पंचायत अपनी तरफ तक कोई कसर ना छोड़ती। अरे एक बार लड़न तो पहले जब बता देते तो इसका भी समाधान हो जाता। हो गया अब तो समाधान, बात भी समझ में आ गई सरपंच ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद की कोई बात ना है जी, मैं तो सेवादार हूँ और सेवा करना मेरा काम है। राम राम। राम राम जी, राम राम। ले सरपंचनी तो रास्ते में ही मिल गई। राम राम काका। राम राम सरपंचनी, मैं तो तेरे ही दौरा हुआ था। बताओ काका क्या काम था? ये एक फार्म से है, इस पर आपके दस्तक और मोहर चाहिए। क्या का फार्म से? जियो राशन का फार्म से, बीपीएल में नाम चढ़वाना से। आपका से? ना मेरा तो बन रहा से, मेरे भाई का से। ठीक से काका, आपके भाई ने ही भेज दियो, कर दूंगी। पर कार्ड तो सर्वे होकर बने से, आपने बेरा है। सरपंच ने, भाई तो गांव में ना रहता, वो तो दिल्ली रहे से। दिल्ली रहे से? फिर उसका कार्ड उरे क्यों कर बन सके है? बन सके से, कई बनवा रहे से। आप मोर मार दो, सर्वे आना थी अपना पुराना मकान दिखा देंगे। किसी बात करो काका, यो गैर कानूनी काम से, मैं ना करूं। सरपंच ने, तेरे ससुरे गल्ला मेरी अच्छी उठा बैठ थी, फिर किसी गरीब का भला हो जात तेरा के जा से। काका उठा बैठ सिर माथे, अर गरीब सो तो मेरी तरफ तो जो भी मदद होगी वह मैं करूंगी, पर यो काम नहीं, यो तो सरासर धोखाधड़ी से। मैं नहीं कहूँ, ये गैर कानूनी काम और भी करवा रहे से, पाछली योजना में करवा गए थे। काका उनका नाम भी बता दियो, आगली पाछली सारी योजना सामने आ जाएंगी। राम राम। राम राम। ये तो अच्छा कड़ा काम हो गया भाई, मारा एक काम बन दिया। आगे प्रधान जी। हाँ आज तो घना ही टाइम लग गया, भूख लाग रही होगी आपने? ना इब्बे कीते, इब्बे तो 12 बजे से। ठीक से तो मैं ना दो के बनाऊं सो। जल्दी कर ले, पेट में चूहे कुदन लाग रहे हैं। मैं तो बाट देख का बनाना हो रहा था। फिर बना लेते, मैं भी खा लेती आपके हाथ की। अच्छा प्रधान जी कहेंगे तो यो काम भी करना पड़ेगा। रहन दो, दो रोटी खुआओगे 10 उलाने दोगे, मैं आपा बना लूंगी। और मैं कौन सा बनाए बैठा था, मन्ने भी तो सरपंच के हाथ की खानी से। सरपंच सु गांव की, तारे खातर तो मैं वाइस हूं, के कहया करो। ज्योति डाल लेंगे। सरपंच साहब आ जाओ जी। आओ जी बैठो। प्रधान जी। जी ना, मैं जनक है, सरपंच का पति। हाँ हाँ, असली मालिक तो आप पे हो। मालिक है? मतलब है? मतलब सरपंच के भी और गांव के भी। अरे ना ना, किसी बात करो हो, गांव का मालिक थोड़ी। हाँ और गांव का मालिक तो सरपंच भी ना होता, सेवादार हुआ है, हम भी सेवादार सा। ये है सरपंच ज्योति देवी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। जी आप जाओ भीतर, कर लियो घर का काम, हम कर ले बात। कोई बात को नहीं, आप कर लियो काम। काम जी, मैं सरपंच हूँ गांव की, मेरे खातर गांव का काम पहले है, घर का काम बाद में है। बताओ बेझिझक होके बोलो। आपके तो साइन साइन चल लेंगे, बाकी डील तो हम मर्द मानस करे लेवांगे। या बात गलत कहो आप है, गांव ने सरपंच या बनाई है, बात भी या करेगी, या गुलाम ना है किसी की। अच्छा कमाल से जी। हाँ इब साफ साफ बताओ के मामला से, के काम आई सो? जी मैं सु बोरा ठेकेदार, और अपने गांव वाले जोड़ के रास्ते का टेंडर मन ने मिलया है। अच्छा या तो बहुत बढ़िया बात से, करो फिर काम शुरू, और हाँ बढ़िया काम करियो। या है तो बात से। मतलब? मतलब यो कि ठेकेदारी के धंधे में मंदा बहुत चल रहा है, कंपटीशन से ना बड़ी मुश्किल तक यो टेंडर मिला है, और इसमें भी जब बढ़िया करांगे तो कमावांगे के, समझे कि नहीं? समझ गई, तो मतलब या डील फाइनल करना आए हो आप? हाँ या है तो बात से। तो फिर बता भी दो के डील है आपकी। बात न्यू से जी, 15 लाख का ठेका है, मैं इसने 7-8 लाख में पूरा करवाए दूंगा। बच्चे
उनमें कुछ परसेंटेज आपका, बाकी मेरी मेहनत। आपने कुछ ना करना, बस काम पास करना। क्यों, किसी लागी मेरी डील? डील तो बढ़िया है जी, पर मेरी एक बात सुनो। हाँ हाँ समझ गया, हिस्सा अपना बढ़िया देवांगे, आपने कोई दिक्कत ना आवे, वह सब मेरी सेटिंग है। यह बात ना कहती जी, आप तो एक सलाह दूसूं। जी बोलो, आपकी ना मानना है, किसकी मानना है? आपकी डील से ना, इसने एक लिफाफे में डालकर उससे जोड़ में घेर दो जिसका रास्ता बनाना से। मैं समझा नहीं। ना समझा तो सुनो, काम के जितने पैसे मिल रहे हैं ना, उतने ही लागने चाहिए। जब माल में और काम में की मैं कमी पागी तो फिर देख लियो। देखा, मैं यूं तो कहा था अगर मर्द मानस बैठ के बात कर लेंगे। अरे भाई साहब, सरपंच के चुनाव जितने में खर्चा करया होगा वो न्यू तो लेकड़ेगा, फिर सरपंच बनाए क्यों से लोग? कमाने खातिर, और कमाई न्यू आया करे, और तनखा थोड़ी गुजारा होता। बात सुन ठेकेदारे, हमने यह सरपंच पीछे कमाने खातर ना ली, गांव की सेवा करने खातर ली से, और पीछे के लालच में आकर हम गांव गलगद्दारी करांगा। अपनी इस डील ना भूल जा, और ईमानदारी से काम शुरू कर दे, समझ गया? ईब थाम ले रहे हो पंगा, हमने न्यू नहीं बेरा, मेरी पहुंच कितनी ऊपर तक से। चाहे चंडीगढ़ तक चाल, पर गलत काम नहीं होने दियूं, जाके काम शुरू कर। और हाँ, नू बता दिए माल चेक करने का दाना है। यो तरीका ठीक नहीं सह, नुकसान खा जाओगे। जयराम जी की ईसा ईसा ने तो नाश कर रखा है, सरकार दे से किमी और लोगों तक पहुंचे किमी से। चंडीगढ़ तक स्कीम चाल के ब्लॉक मा के ब्लॉक के हो जाए। इनका इलाज करना सह। आज तो आप भी गुस्से में आ गए थे। हो रे, मेरे से हमारे प्रधान ने कोई किम कह दे और मैं चुप रहूं। अच्छा जी। रुक क्यों गए? आगे ना जाओ, शर्माओ मत ना। राम राम जी। राम राम, ये इतना लंबा घूंघट क्यों ताना रखा है? ये तो आप तो छोटे ही होंगे। घूंघट तो करना ही पड़े है। क्यों, जबरदस्ती से कि मैं सारे गांव में बिना घूंघट आंडू? मैं भी तो गांव की बहू होंगी। जमाना खराब से जी, और गरीबों के जीने कई समस्या है, लोगों की नजर भी तो खराब से। वाह, नजर आदमिया की खराब और घूंघट करा औरत। चलो छोड़ो इन बातों ने, आओ बैठो, बताओ क्या काम आए थे। बताओ क्या काम आए थे जी? वो मेरा आदमी। आदमी क्यों हो गया आपके आदमी का? वो तो के था जी, दिन रात दारू पीवे है, अरे मारा पिट्टी भी करे है, आज भी मारे जी, ये देखो। उसकी इतनी मत, चलो मैं देखूंगी उसने। के फायदा है जी, दारू पिए पड़या है। पियोड़ी भी उतारूंगी, और जे नहीं मान्या तो पुलिस ने बुलाऊंगी। पुलिस बुलानी है तो उन खातर बुलाओ जी, जो इन सस्ता जहर बेचे है, वो भी सरेआम गांव में। सरेआम गांव में? पर ठेका तो गांव की सीमा बाहर है। ठेकेदार के आदमी है जी, जो गांव के बीच में दारू बेचे। ठेकेदार के आदमी कौन से वे, के नाम से उनका? वो है जी रोहतास का सत्ते, वो बेचे है। पहले इससे का राह बांधूंगी, आपके आदमी ने तो बाद में देखूंगी। और हाँ, डरा मत करो, विरोध कराया करो। विरोध करने का के फायदा जी, फिर क्यों, काम धंधा हो तो लड़ा भी। काम धंधे का इंतजाम तो मैं कर दूंगी, सरकार की तरफ तक कई स्कीम आ रही है, आप कुछ लुगाई इकट्ठी कर लो, मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। लुगाइयां तो मैं इकट्ठी कर दूंगी जी। ठीक से, फिर मैं सब तक मिलकर बात कर लूंगी, और सरकार तक हर खतर की मैं काम की सिफारिश करूंगी। और हाँ, किसी पर डिपेंड मत रहो, आत्मनिर्भर बनो। ठीक से जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच जी। बाण कह दे, घनी खुशी होगी। ठीक से बेबे। ठीक से, राम राम। राम राम। कर दिया समाधान है। ये रोहतास का सत्ते कित से इसका घर? यो तो राम फलाली गली में है, थोड़ा ध्यान तो जाइए, इसे ये मानस से वे। मैं क्यों डरूंगी, आप रहे मेरे साथ। ये मैं तेरे सारे पंगे में साथ दूंगा के, तू भी आत्मनिर्भर बने। देना पड़ेगा, सात फेरा के सात वचन याद है ना? अच्छा अच्छा, ठीक से।
हाँ जी जी, आपका नाम सत्य है? हाँ, मेरा नाम सत्य है। क्या बात होगी? बढ़िया, आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है। कंप्लेंट? फिर तू कौन से पुलिस वाले है जो कंप्लेंट पाई सा? गांव के सरपंच सा, गांव के गड़े गुड़ी नाले नुड़िया की सफाई पे ध्यान दे, अरे बड़े बुढ़ा की इज्जत करनी चाहिए। गलत काम करनी है कि किसी इज्जत? और गांव की सरपंच हूँ, कंप्लेंट सुनने का और उसका समाधान करने का पूरा हक है। इशास है सरपंच ने, तेरा हिस्सा तेरा घर पहुँच जाएगा, तू जाकर आराम कर। और कहीं मर्द मार से खदा दिए हिस्सा और जहर की कमाई में? पहली आखिरी बह रही हूँ, कहते इस काम न बंद कर दो ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तेरे तो हो ना कर लिए, तेरे बगे सरपंच घड़े आ लिए, समझी? घड़े आवंटन की जरूरत नहीं। मेरा फर्ज था समझाने का, बाकी आगे जो कार्रवाई होगी उसका जिम्मेदार तू खुद होगा। हाँ ठीक सर, क्यों दिमाग खराब करी जिंदा टाइम पे, चल निकल बराबर। हेलो, अरे सरपंच नहीं पंगा कर रही जाजे धंधा पे। हाँ देख लिए, कंप्लेंट आज का है, संभाली उसने ठीक से। हाँ अरे के रहा है उस सत्य वाले केस का? मैं हार मानने वाली थोड़ी हूँ, इलाज करके मानूंगी उसका। वो तो मने बेरा है, तू हार मानने वाली ना है। मैं कहूँ सत्य थोड़े दिन शांत रह ले। शांत रह लूँ? शांत क्यों कर रह लूँ? सारा काम धंधा ठप पड़ा है और तू कह शांत रह ले, तुम कुछ करते क्यों ना? मेरे भी प्रोजेक्ट पर सटेलिया रखी है, इसका के मैं करना पड़ेगा। अरे किम्मी मत ना करो, थमे थारी डीसी ऑफिस में शिकायत लाग रही है, शांत रहो थोड़े दिन। थारे बस की किम्मा नाज है या वृद्धि पर फायदा उठा लो? मारी सेवा पानी में किम कमी रह गई थी, इसका किम फायदा उठा कमी आदमी। सत्य मुंह संभाल के बात कर ले, उसमें ना तो क्या कर लेगा, मारा टुकड़ा अपने सामना ही दिखाओ से। ना चाहिए थारे टूके, और जो करना कर लियो। सारे इधर कर लेंगे। इसका बस का कुछ ना है, ठेकेदार है ये, तो अपने करनी पड़ेगी बाजी यार। या पैर चल फिर इब कराएंगे यार पैर। हाँ चल ला जी। हेलो आ रहे अकबर है? कि वो गैर कानूनी काम था और इसे गलत काम में नहीं करया करो। थामुरे क्या करना है सो? तोड़ करना है यहाँ, तने जीना आराम कर रखे था मरा। गलत काम का गलत अंजाम होया करे। तेरी गणी जबान चाल है छिपकली जी। ओ पहलवान है डंगता बोल ले ना, तू क्या कर लेगा? मैं बहुत कुछ कर सकू हूँ, तू क्या सोचा है? हम एक ले यहाँ जो सारा गाम राम हमारे साथ है, पकड़ो रही ना गाम राम। बेरा लग गया ईमानदारी में के ताकत हो सै, अरवा देखो पुलिस भी आ गई सै, थारा समाधान ही वो होगा। हाँ भाई, वो कहाँ दिखाओ थे? पावर दिखाओ थे? मैं दिखाऊंगा असली पावर के हो पुलिस की। ये रण ना गाड़ी में। आपने कदे भी कोई मदद की जरूरत हो एक फोन कर दियो। आप मेरी चिंता ना करो, मेरे साथ मेरा पूरा गांव राम है। मारे सरपंच की ओर कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, बड़ी मुश्किल से इसी सरपंच मिली सर।